आज हम अमन को बाहर लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं और मेरी वाइफ योगिता, जिसका नाम शाचिंग हैन है, और हम दोनों आज जो है हमारे बेटे को, अमन को, पहली बार हम दोनों एक साथ इसे नीचे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। बिकॉज़ हम जो है 14 फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ से इतना अच्छा नहीं है, बाहर जाने के लिए आपको नीचे आना पड़ता है। सो इसका ब्लैंकेट भी हमने तैयार कर लिया है, कैप भी इसका लगवा दिया है, स्वेटर भी पहना दिया, क्योंकि अभी तक जो है बहुत ठंड है हमारे यहाँ पे नॉर्थ चाइना में। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और योगिता जो है ट्रॉली को पुश कर रही है, और कुछ ही देर में हम बाहर पहुँचेंगे। बाहर का एरिया कुछ इस तरह का है, यहाँ पे काफ़ी साफ़ और क्लीन रहता है। लेफ्ट साइड पे आपने देखा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए, जहाँ पे पोस्ट आती है। गेट आपको यहाँ से अंदर से ओपन करना पड़ेगा, और अमन को ठंड न लगे सच में, मैं इसलिए इसके लिए बहुत बड़ी मोटी वो लेके आया हूँ। सो बच्चों के लिए अलग से रास्ता है, यहाँ से जो बूढ़े लोग हैं व्हील चेयर वाले हैं वो यहीं से आते हैं, या बच्चों की ट्रॉली को आप यहाँ से ला सकते हैं। बाहर का आज का मौसम काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, ये हमारी सोसाइटी है, और 41 फ्लोर है फ्रेंड्स, इस सारी बिल्डिंग में 41 फ्लोर। तो योगिता को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है आज इसको पुश करने में, ट्रॉली में बार बार चेक करेगी, मुझे पता है, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंड, हमारा पहला बच्चा है, और मतलब यार क्या बताऊँ, मतलब खुशी तो बहुत होती है। और मैं जब भी अपनी छुट्टी मुझे करता हूँ, मैं अपना ऑफ टाइम करता हूँ, उसके बाद इसके साथ घूमने आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं योगा टीचर रवि भारद्वाज पिछले 5 सालों से चाइना में हूँ। सो पीछे बैक साइड पे आप देख ही रहे हैं, चाइना के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, और मेरा छोटा सा बच्चा भी आज इसको बाहर लेके आया हूँ। आज मैं पहली बार इसको बाहर लेके आया हूँ, वैसे तो इसकी मम्मी बाहर लेके एक बार आई थी, वैसे तो हॉस्पिटल भी लेकर गए हैं मेनली, आज जो है घुमाने के लिए इसको बाहर ले आए हम। मैं से हेलो बोलो, राम राम जी। जब भी कैमरा देखता है तो ऐसे हो जाता है, कैमरे के सामने बात नहीं करेगा। ओ से हेलो, हेलो भैया। और इसकी मम्मी अभी गई है बाहर यहाँ पे कुछ सामान लाने के लिए, तब तक मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आज सैटरडे है, मेरा ऑफ डे है। वैसे तो हमारी सोसाइटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जो सेफ्टी है, आपको मेन बात जो चाहिए होती है वो सेफ्टी चाहिए होती है। सोसाइटी के अंदर सेफ्टी काफ़ी है, और सुंदरता भी काफ़ी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बैक जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वो सारे जो है ये फल फ्रूट्स के ही पेड़ हैं इसमें। मेरी वाइफ आ चुकी है, ये कोरियर लाने के लिए गई थी बाहर, कुछ सामान अभी लेके आई। आज मुझे लग रहा है कि ठंडा है थोड़ा, तो शायद हम जो है ज़्यादा देर तक के लिए बाहर नहीं रह सकते, हवाएं ज़्यादा चलती हैं इस, एक्चुअली इस शहर में आप ही देखना, नेट पे चेक कर सकते हैं, -30 से लेकर 35 डिग्री तक यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सभी मदर्स अपने अपने बच्चों को घुमाने के लिए बाहर सोसाइटी के अंदर लेके आई हुई हैं, बिकॉज़ सोसाइटी के अंदर काफ़ी सेफ्टी है, सफाई है, और वेदर भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दिनों से बहुत ये दोनों बोर हो गए थे घर पे, और मुझे भी काफ़ी मन था कि इनको बाहर लेके आया हूँ, और इसीलिए आज मैं इन्हें बाहर लेके आया हूँ। बहुत मन है अभी इनको इंडिया लेके आने का, बट ये कोरोना की वजह से जो है इंडिया आना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। अब मैं तो यही दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि ये कोरोना वाली जो बीमारी है जल्दी ठीक हो जाए, और हमें जो है अपने हिंदुस्तान आने का जल्द मौका मिले।
पेड़ों के ऊपर फूल पत्ते भी आ गए, सभी लोग आराम से सुबह अपने बच्चों को बाहर लेके निकलते हैं, बिकॉज सोसाइटी के अंदर शांति बहुत है, सफाई बहुत है, और कई लोग तो कुत्तों को लेके सुबह सुबह निकलते हैं, शाम को भी निकलते हैं, और बहुत सारे लोग तो फ़ोन में इतना बिजी रहते हैं भाई, वो कितने चक्कर लगा रहे हैं घूम घूम के, उनको भी शायद याद नहीं रहता है। और थोड़ी दूरी पे यहाँ पे ये नॉर्थ गेट है हमारी सोसाइटी का, बहुत बड़ा गेट, ज़्यादा दूर तो नहीं, सोसाइटी के अंदर ही दो चार चक्कर लगवा दिए जाएँ, क्योंकि चार पाँच महीने होने वाले हैं, पाँच महीने का होने वाला है, तब से इसकी मम्मी ने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया है। लाइट अगर वहाँ की बात करें, लाइट काफ़ी ही ज़्यादा पड़ रही है, अगर यहाँ से करें तो लाइट कम पड़ रही है, वीडियो तो ऐसी बनेगी। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी सोसाइटी, 7-8 महीने के लिए यहाँ पे जो है बिल्कुल सूखा सूखा पड़ जाता है, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, और अभी अभी यहाँ का मौसम जो है अच्छा हो जाएगा, और हरियाली यहाँ पे आ गई है, फूल पत्ते यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा सा वक्त और लगेगा और भी सुंदर ये हो जाएगी सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी का सबसे बेस्ट और प्लस पॉइंट है कि इसका जो प्ले स्कूल है वो सोसाइटी के साथ अटैच है और बिल्कुल कैमरे की निगरानी में है। आपके बच्चे को जो प्ले स्कूल में जाना है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्ले स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। और सोसाइटी के अंदर होने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप सुबह जब जॉब के लिए जाते हैं तो अपने बच्चे को आप प्ले स्कूल में डायरेक्ट यहीं पे इसी गेट से तो आप जाते हैं प्ले स्कूल पे छोड़ के, उसके बाद आप जो है अगर पेरेंट्स उसके काम करते हैं तो आप दोनों ड्यूटी के लिए फ्री होकर जा सकते हैं आराम से। देख सकते हैं बैक साइड पर ये हमारी सोसाइटी है और ये यहाँ का प्ले स्कूल है, तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज प्ले स्कूल अगर दूर रहता है फ्रेंड्स, तो आपको कार से ड्राइव करके, देख सकते हैं फ्रेंड्स लोकेशन भी बहुत अच्छी है, और आपको अगर प्ले स्कूल दूर है तो आपको ड्राइव करके छोड़ने के लिए जाना पड़ता है बच्चे को, फिर लेने के लिए आना पड़ता है, तो यहाँ पे ये सारा ख़त्म है बिकॉज ये हमारी सोसाइटी है। और सोसाइटी के अंदर की बात अगर मैं करूँ तो सोसाइटी के अंदर फ्रेंड्स इन्होंने देखो रेत को बिछा के रखा है, और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे ऐसा अंदर बना के रखा है बहुत प्यारा सा। फ्रेंड्स, मैं इस बच्चे को काफ़ी देर से देख रहा हूँ, उसकी दादी उसको नीचे बुला रही है, वो नीचे नहीं आ रहा है, बहुत देर हो गई है, मैं काफ़ी देर से इसकी वीडियो बना रहा हूँ, ये बच्चा पता नहीं क्या सोच रहा है, उसकी दादी उसको नीचे बुला रही है, आ जा आ जा, वो तब से नीचे ही नहीं आ रहा है, ओ आ गया नीचे आ गया। और उसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सोसाइटी के बाहर का व्यू। फ्रेंड्स, ये हमारी सोसाइटी के बाहर का व्यू है, ये सारा सोसाइटी जो है ये वांग छन है, थेम्फुलू यहाँ पे नाम है इस जगह का, और ये जो नीचे वाले फ्लोर हैं सारे बाहर, ये बहुत बड़ा एक मार्केट है, सब जगह बोर्ड आपको लगे हुए दिख जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डेली नीड्स की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, और साथ में यहीं पे छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। और जैसे ही आप अंदर आते हैं चाइना में, छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आंटियाँ उनकी मदर्स जो है अपने बच्चों को घुमाने के लिए निकलती हैं, और फूल तो इस कदर यहाँ पे आए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, आप देख सकते हैं, मतलब मन मोहक हो जाता है, सो ब्यूटीफुल, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। और योगिता बार बार यहीं पे चक्कर लगा रही है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी सोसाइटी? फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखें, और आप इंडिया के कौन से पार्ट से और कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो भी कमेंट में लिखना भूले नहीं, बिकॉज मुझे भी पता लगना चाहिए मेरी वीडियो को कौन और कहां से देख रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हवा चलना शुरू हो गई है, योगिता भी परेशान हो रही है, तो अभी हम जो है वापस घर जाने की सो फ्रेंड्स, आज बहुत मज़ा आ गया यार इसके साथ यहाँ पे, थोड़ा बाहर आके जो है काफ़ी अच्छा लगा, इनको भी इसको भी बाहरी दुनिया दिखा दी हमने आज, अमन को
बाहरी दुनिया आज इसे देखने को मिली है। आई होप इसने भी इंजॉय किया होगा, मैंने तो इंजॉय किया है और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो काफ़ी दिनों से बीमार था यार ये, बहुत इसकी जो तबीयत ख़राब रह रही थी और अभी थोड़ा ठीक है, इसलिए आज बाहर लेके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर, घर के अंदर, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। योगिता भी काफ़ी परेशान हो गई थी कि ठंड से बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो फिर से हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये 2 महीने बाद ये ठीक होने लगा है थोड़ा थोड़ा, इसको लूज़ मोशन हो गए थे। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं लिफ्ट के पास और हमारा घर है 14th floor पे। चलिए फ्रेंड्स, लिफ्ट के अंदर तक आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। आप लोग भी चलिए हमें घर पे छोड़ने के लिए और हमारे साथ हमारे घर तक बने रहिए हमारे साथ। अरे हमें तो मास्क भी लगाना पड़ता है यहाँ पे, सोसाइटी के अंदर बिना मास्क के भी जा सकते हैं, लेकिन योगिता हमेशा रूल्स को फॉलो करती है। 14th floor हमने दबा दिया है और इस सोसाइटी के अंदर 41 floor हैं। इस तो हम पहुंच चुके हैं घर पे।